देख रहे हैं केवल सच। देख रहे हैं केवल सच न्यूज चैनल और मैं मणिभूषण तिवारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह के साथ है। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है सहार प्रखंड के चौरी पंचायत और चौरी पंचायत के ये चौरी लक है। यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं यहाँ के चौरी ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी राम कुमार सिंह जी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। राम कुमार सिंह जी, आप थोड़ा सा ये बताएं कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ के जनता के लिए आप ऐसा क्या नया करने जा रहे हैं जो अब तक के किसी मुखिया ने नहीं किया। अब तक के वर्तमान मुखिया जी के द्वारा पक्षपात किया गया है समाज के काम, तो मैं वो पक्षपात पूर्ण रवैया को दूर करूँगा और सबके साथ सबका विकास का नारा दे करके तमाम नौजवान सभी कार्य करने का काम करूँगा। आपके संज्ञान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका बीपीएल सूची में नाम है और उनको आवास योजना और जो भी राशन की राशन का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में कुछ? ऐसा बहुत कुछ है, बीपीएल सूची में नाम होते हुए भी मैंने भ्रमण के दौरान से वो बगल में बहुगारा छपरा गांव है जो चार महतो जाति के हैं उनका भी नाम राम कुमारे है, वो राम कुमार जी का आज भी कोई भवन रहने के लिए नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसको जरूरत हो उसको पहले प्राथमिकता के आधार पर इंदिरा आवास राशन की राशन दिलवाने का काम करूँगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते हैं जो कि विकलांग है और उनको उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है? मैं तो देखा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को है जो मेरे दृष्टि में अभी तो हमने पूछताछ किया तो मिलता है, लेकिन उन विकलांगों को जो बिल्कुल विकलांग है उनको साइकिल मुहैया नहीं कराया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों को पेंशन के अलावा साइकिल मुहैया भी कराया जाए। क्या आपके चौरी पंचायत में जल नल योजना जो कि बिहार सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है इससे सभी लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं? नहीं, जल नल की योजना तो मेरे पंचायत में एक भी चालू नहीं है, सब काम अधूरा है, पेंडिंग है, कोई कार्य पूरा नहीं है और कोई मैंने चालू हालत में नल जल नहीं है। भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से कोरोना काल के लिए नवंबर माह तक फ्री राशन देना था डीलरों को, तो क्या आपके संज्ञान में ऐसा है कि सही जगह सभी लोगों को सही उचित अनाज मिल पा रहा है? लेट सेट मिल रहा है, ऐसा लोग है डीलर लोग थोड़ा लेट सेट करके दे रहा है, थोड़ा बहुत जो कमियां हैं तो उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। आपको क्या लगता है आपके पंचायत के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी? हमारे पंचायत में विकास का जो दौर है अभी जो लूट भसोट वर्तमान मुखिया के द्वारा किया गया है, जैसे उन्हीं का गांव पुराहरा पड़ता है और 15 साल से वो एक पुराहरा के प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी का एक टोला है समाज में जहाँ आज के डेट में नहीं है, अगर कोई माँ बहन धान रोपने के बाद गर्भवती हो जाती है तो वहाँ से निकलने का भी रास्ता नहीं है सरकारी सहायता है। दूसरा बगल में गांव कोनी है जहाँ आज तक भी बरसात में पहुँचने का जगह नहीं है और बहुवारा ग्राम का तो तमाम नली गली अधूरा है, कोनी ग्राम का अधूरा है। मैंने पक्षपात पूर्ण रवैया अपना था। किसान मजदूरों के लिए किसी बड़ी समस्या को बताइए? किसान मजदूरों के लिए बहुत समस्याएं हैं, तमाम किसान जो हैं अभी तक मान लीजिए कि चाहे हैं जो कृषि बिल पर चल रहा है हमारा आंदोलन, जिसे केंद्र सरकार अभी किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, जब किसान चाह रहे हैं कि हम इस बात से खुशी हैं तो सरकार फिर उस प्रस्ताव को क्यों नहीं मान रही है? इस पर मेरा विरोध है कि केंद्र सरकार जो है वो गलत कर रही है, किसानों के हक को नहीं मान रही है।